आज कोई सियासत नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं। मैं कुछ साल पहले तक जम्मू में दिवाली मेला रखता था। सलाकिया साहब हमारे बीच में नहीं है, उनके द्वारा ये फंक्शन होता था अलग अलग जगह पे। अब वो हमारे बीच में नहीं है, दुर्भाग्य से कोविड में उनकी पिछले साल मौत हुई और उससे भी दो तीन साल पहले से सिलसिला बंद हो। लेकिन हमने और हमारे साथियों ने सोचा ये चीज़ें होनी चाहिए और विशेष रूप से कोविड के बाद जिन लोगों को हम मिलना चाहते थे या वो आपस में एक दूसरे से मिलना चाहते थे या वो हमसे मिलना चाहते थे, कोविड की वजह से कोई किसी से मिल नहीं पाए। सोशल डिस्टेंसिंग इतनी हो गई के रिश्ते और दोस्तियाँ उनमें दूरी आ गई। तो आज ये विंडो एक थोड़ा सा मिल गया है, न जाने कितना और कब और बढ़ जाएगा। तो हमने सबको तकलीफ दी, थोड़ी सी नोटिस से और अलग अलग फील के लोग आए और मिलने का, दिवाली मिलन हो, ईद मिलन हो, क्रिसमस मिलन हो, उसका मकसद ही यही होता है। उसमें कोई राजनीति और कोई पॉलिटिकल पार्टी अछूत नहीं होती और नहीं इंसान। तो मुझे खुशी है कि सब लोग आए हैं। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और आने वक्त आने वाले वक्त में अभी दो और त्यौहार इस साल में आ रहे हैं। क्रिसमस आ रहा, नया साल आ रहा है, फिर अगले साल ईद आएगी। तो ये हम सब लोग मिलके, इसमें कोई किसी एक व्यक्ति की जागीर नहीं है, हम सब मिलके लाने चाहिए। जिसमें सब धर्म के, सब पार्टियों के, सब सोशल ऑर्गेनाइजेशन से लोग होने चाहिए और मीडिया से मेरी दरखास्त है कि आज कोई राजनीति के बारे में सवाल नहीं पूछेंगे। ये आपको भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई, मीडिया को भी, और अल्लाह से, भगवान से यही दुआ करेंगे, वाहेगुरु से यही दुआ करेंगे, ईसा मसीह से यही दुआ करेंगे कि भारत एक रहे, मजबूत रहे, हमारा जम्मू कश्मीर ये भी एक रहे और हमको सब लोग जो है भारतीय, हिंदुस्तानी और जम्मू कश्मीर के लोग ये सब खुश रहें, प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें और जो आर्टिफिशियल दीवारें हैं, रेत की दीवारें हैं, ऐसे समय से उन दीवारों को हम सब
गिरा। आजाद साहब आपने दिवाली की शुभकामनाएं दी। आजाद साहब आपने दिवाली की शुभकामनाएं दी। उनको बहुत बहुत बधाई। मेरी का ये है बेचारे ये कभी बाहर नहीं आते हैं, लेकिन हमारे साथ तकरीबन 20 साल से जुड़े हैं और सोबत साहब के दूसरे चार के ऑर्डर हैं। इनको बहुत बहुत बधाई। साहब जो मदद कर रहे थे इस प्रोग्राम को नाटो कर रहे गौरव चोपड़ा सबको मेरी तरफ से आप धन्यवाद। अच्छा साहब आपने दिवाली की शुभकामनाएं दी पर कई लोगों के लिए वो मिलता हूँ आता हूँ आपके पास।